नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्क फिन बॉक्स। आर्क फिन बॉक्स चैनल में आपका स्वागत है। बात करते हैं फ्रेंड्स सोने की प्राइस का एनालिसिस करते हैं कि सोने की प्राइस की हिस्ट्री क्या रही है। सोने की प्राइस की हिस्ट्री देखें तो 1964 में सोने का जो प्राइस था 24 कैरेट पर 10 ग्राम, उसकी प्राइस जो देखी जाती है 24 कैरेट रहती है पर 10 ग्राम के हिसाब से सोने की। सो 1964 में जो प्राइस थी वो 63 रुपये थी, ओनली 63 रुपये 25 पैसे। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया स्टॉक, गोल्ड की प्राइस बढ़ती गई बढ़ती गई। इसके बाद हम 10 साल का लेते हैं, उन्होंने एवरेज 1970 का लेके चलते हैं, 184 रुपये था। उसके बाद अब हुई है कुछ जो ये तो लगभग शेयर मार्केट की तरह है। यहाँ पर शेयर मार्केट कैसा होता है, अप जाता है फिर थोड़ा डाउन जाता है फिर अप जाता है फिर थोड़ा डाउन फिर अप फिर डाउन। सो लास्ट में अप ही होना है, अल्टीमेटली वो अप ही होना है। अगर हम लंबे समय के लिए देखें, 5 साल के लिए देखें, 3 साल के लिए देखें, तो अप ही होना है। इसी तरह से सोने की प्राइस भी तो बढ़ती ही रहती है लगभग। अब आप सोचो ऐसे नहीं बढ़ते कि एकदम से ऐसे फॉर्म हो, ऐसे फॉर्म में नहीं होता है। इसमें थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, कभी कभी नीचे भी ज़्यादा ही चला जाता है, लेकिन वो जाएगा अल्टीमेटली ऊपर ही, आपको मिलेगा ऊपर ही लंबे समय में देखे जाए तो। इसलिए निवेश जो करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, थोड़ा लंबे समय के लिए करना चाहिए, कम से कम 5 साल के लिए तो सोच के चलना ही चाहिए। अब आप देख सकते हो 1964 में 663 रुपये था, वही 1970 में 184 रुपये था। 1970 में से 84, इसका मतलब समझ रहे हो आप, 1970 में से 84 था। फिर 1970 के बाद में ये 1980 की बात करें तो 1980 में ये था 1333, यानी कि 1970 में 184 था। आप समझ सकते हैं 10 साल में 184 से 1333 पहुंच गया। उसके बाद इसके मतलब ग्रोथ समझ रहे हो आप कितनी होगी, इसकी ग्रोथ होगी लगभग 600% ग्रोथ हो गई, मतलब 6 टाइम ज़्यादा हो गया है। आपके जो प्राइस था उसका 6 टाइम ज़्यादा हो गया। उसके बाद 1990 की बात करें, 10 साल बाद ये 3200 रुपये हो गया। 1980 में 1323 था और 1990 में देखो 3200 रुपये गोल्ड की प्राइस हो गई। इसका मतलब इसमें जो ग्रोथ किया है 10 साल में, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1990 तक वो जो ग्रोथ किया है लगभग वो 250% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। देन उसके बाद 1990 के बाद आए बात करते हैं 2000 की, 2000 में बढ़कर हो गया 4400 रुपये। सो इसकी जो ग्रोथ थी 10 साल में, पिछले 10 साल में, तो इसकी ग्रोथ 40% हुई है, ठीक है। इस साल थोड़ी इन 10 साल में थोड़ी कम हुई थी ग्रोथ। इसके बाद में 2000 से लेके 2010 की बात करें तो 18500, जबकि 2000 में 4400 रुपये था सोना, तो 2010 में 18500, तो ग्रोथ बढ़कर कितनी होगी 10 सालों में, ग्रोथ जो 10 साल की हुई है 2000 से लेकर 2010 तक, वो ये लगभग, ये हुई लगभग 300% की ग्रोथ हुई है, 300% की ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं, मीन्स आपका पैसा 3 गुना हो गया है। अगर आप 2000 में सोना खरीदते और 2010 में 3 गुना हो जाता सोना का प्राइस, 3 गुना होता। उसके बाद में आप बात करते हैं 2010 से लेकर 2020 की बात करें, 18500 था और 2020 में ये पहुँच कर 48651। इसका मतलब जो ग्रोथ हुई है इनकी, वो ग्रोथ हुई है लगभग 160% की, 160% की ग्रोथ हुई है यहाँ पर 10 साल में, 160% की ग्रोथ हुई है। इसका मतलब एवरेज प्राइस जो देखें ना पर ईयर का, तो सोने की लगभग 12 से लेके 15% रहती है ग्रोथ रेट रहती है सोने की, रहेगी गोल्ड की, जबकि इन्फ्लेशन की रेट 6% रहती है। अगर आपकी 12% 15% हर साल का बढ़ रहा है तो क्या बुरा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा। बट ये जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है, ज्वेलरी के फॉर्म में आपको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी के फॉर्म में हम जब रखते हैं तो उसमें लॉस होता है, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस, गोल्ड सोना जो ज्वेलर्स होता है मेकिंग चार्ज लगाता है, और जब आप ज्वेलरी को वापस करते हैं उसके बाद में रिप्लेस करते हैं ज्वेलरी को, तो फिर से उसको उसका कटिंग चार्ज लगा देता है फिर वो। इसका मतलब ज्वेलरी में आपकी जो वैल्यू है वो लगातार डिप्रिसिएट होगी ज्वेलरी में की फॉर्म में। सो बेटर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड में, तो गोल्ड में या फिर आप कॉइन्स बाय करें या फिर गवर्नमेंट का सॉवरेन बॉन्ड बाय करें। अब ना बात करते हैं फ्रेंड्स कि
एक्सपेक्ट क्या है अब आने वाले समय में, मैं आपको बता दूं एक्सपेक्ट क्या है। अगर आप गोल्ड बाय करते तो आने वाले, आप अगर अभी गोल्ड बाय करते तो लगभग 51 से 52 हज़ार की रेंज में गोल्ड चल रहा है। अगर आप अभी बाय करते हो तो आगे आने वाले समय में कब तक आपका गोल्ड महंगा हो, आगे आने वाले समय में 5 साल 10 साल में कितना होगा। तो जहाँ तक रिसर्च की सवाल है तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर हम 16% भी मान लेते हैं पर ईयर का अप्रोक्स, तो जहाँ तक है अगर हम टोटल माने तो लगभग 2030 तक एज जो सोना, सोने की प्राइस है, गोल्ड की प्राइस है, वो 97,000 बन रही है। 97,000 के आसपास गोल्ड पहुंच जाएगा 2030 में। आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। सो जिन लोगों ने गोल्ड अभी भी बाय नहीं किया है, तो अगर उन्हें लगता है तो मेरे हिसाब से लंबे समय के लिए देखा जाए 2030 तक डेफिनेटली गोल्ड प्राइस 97,000 जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो जिन लोगों को इन्वेस्ट करना हो वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर उसको अच्छा पैसा बन सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग द वीडियो।